अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आ जाओ जल्दी से क्लास के लिए, शाबाश फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, कैफा हालका, पखैर रागले इन द क्लासरूम। वालेकुम सलाम मुसर्रत, वालेकुम सलाम अरफा, अरफा आई एम फाइन, मोर देन फाइन, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, हैप्पी हैप्पी। 21 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, जल्दी से आ जाओ जो बाकी भी आ रहे हैं, शाबाश। अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अदीला आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जल्दी से आ जाए सब लोग, शाबाश, ताकि स्टार्ट करें, एक टॉपिक कंप्लीट करें आज पूरा। वालेकुम सलाम। हाँ जी, टेस्ट चेक हो गए, भेज दूंगा मैं। नीलम मैं ठीक हूं, आप कैसे हो बच्चों? अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमें वो चीज़ें, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था जो कि गार्डन में हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो भी लेक्चर हुआ करेगा, एक तो वो रिवीजन बेस्ड होगा, ठीक है, दूसरा उस चीज की रिवीजन होगी जो कि आपको मिड टर्म के एग्जाम में आएगी, ठीक है। सो मिड टर्म के एग्जाम में आपको जो चीजें आने वाली हैं वो आपको इन्हीं लेक्चर्स में करवाई जाएंगी, ठीक हो गया। जरा बताएं तो प्रीवियस लेक्चर पे क्या था, मैंने आई थिंक आपको एक ग्राफ दिया था बनाने के लिए, ठीक है, आप लोग को एक ग्राफ दिया था बनाने के लिए, जो कि आपने इंतहाई खुश असलूबी से बना लिया था, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, आप लोग नोटबुक, पेंसिल, पेन, जो भी है व्हाटएवर, वो लेकर आ जाएं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। साथ भाई पाई चार्ट ऐसे नहीं होगा, पाई चार्ट यहां नहीं हो सकता, पाई चार्ट यहां पॉसिबल नहीं है, पाई चार्ट बोर्ड पे ही करेंगे, ठीक है। सुना है सितंबर 15 से आपकी हो रही है ऊपर, तो फिर पाई चार्ट तो फिर हम वहीं पर करेंगे, ओके। हाँ, मल्टीपल बार चार्ट किया था और साथ में एक असाइनमेंट भी दी थी मैंने करने के लिए, जो कि आप लोगों ने कर ली थी, ठीक है। रख देते हैं,
चलिए आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो सकता। आवाज आ रही है बच्चों, देखो तो सही। आ रही है बच्चों, आ रही है आवाज, आ रही है। मेरा नहीं ख्याल आवाज कट रही है ना, आ रही है ना। आपने वाईफाई लगाया होगा है ना नीलम और गुले लाला, आपने वाईफाई लगाया होगा। वाईफाई के सिग्नल्स जरा से कमजोर होते हैं, मोबाइल का नेट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। मोबाइल के सिग्नल्स जरा से स्ट्रांग होते हैं। चलो बच्चों आज हमारा काम जो है वो हम देख लेते हैं। यार मेरी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं लोड हुई अभी तक। आ गई आ गई आ गई। चलो जी हमेशा 5 बजे मंडे को, हमेशा 5 बजे मंडे को बायोस्टैट की क्लास होती है। ये कौन पूछ रहा है कि ये कौन सी क्लास हो रही है? सवाल सोच समझ के किया करें, पता होना चाहिए आपको क्लास कौन सी हो रही है। हाँ जी हाँ जी, ये टीचर देखे देखे लग रहे हैं आपको, हर मशहूर जगह पे ये टीचर होते हैं। अच्छा हाय 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 हाय, अदीला की फेवरेट क्लास हो गई है। अदीला कितने स्टार देंगी आप 5 में से? हैं स्टार दे दे बस आज। माइक्रो की जगह बायोस्टैट, तो माइक्रो का लेक्चर मेरे बाद होगा ठीक है। शराफत से हमने 6 बजे लॉग ऑफ कर देना, वो मिस जो है वो बार बार देख के ना वो फिर चली जाती है ठीक है। वो एथिक्स में रहते हुए बेचारी वो फिर हमारी क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करती, तो हमें खुद ही अपना टाइमली जो है ना वो क्लास को छोड़ देना है ठीक है। वालेकुम सलाम मिसबा असगर, आप आ गई हैं ठीक है, लेट हैं आप। मरियम तारिक भी पहुंच गए ठीक है, 24 हो गए बच्चों। चलिए आगे बच्चों, सबका टेस्ट चेक हो गया ठीक है। मेरे पास मेमोरी जरा सी शॉर्ट हो रही थी, तो मैं सबके इमेजेस आप लोगों को सेंड कर दूंगा बाय टुडे ठीक है, बाय टुनाइट। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको टाइटल स्लाइड नजर आ रही है और इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इम्तिहान में जी स्कोर किस कदर अहमियत इख्तियार करने वाला है ठीक है, ठीक है ना। तो आपको अंदाजा हो गया कि आपके इम्तिहान में आपको जी स्कोर का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस कदर अहमियत वाला है, और वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये अब आप अपनी अकले शरीफ लड़ा कर, एक दूसरे से जरा लड़ा करना, ये सोचें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है। तो आज हमने जी स्कोर को थोड़ा सा रिवाइज करना है। जिन लोगों को जी स्कोर की समझ नहीं आई, आई एम श्योर के वो आज के लेक्चर के बाद जी स्कोर को समझ आएंगे कुछ ना कुछ ठीक है। अगर फिर भी नहीं आई तो दोबारा वो मुझे बता सकते हैं। ट्राउट इन ट्रबल है, आएगा जी स्कोर है शहजाद, ये कह रहे हो आप, बता रहे हैं ये है ना, क्योंकि आपने आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इट मींस यू आर टेलिंग अस दैट जी स्कोर आएगा। चलो बच्चों
इसको छोड़ दें, इसको करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वी हैव टोटल 1200 बॉयज, 1200 लड़के हैं जिनका जिनकी जो मीन हाइट है शहजाद आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। हमारे पास कुल बॉयज हैं 1200 जिनकी हाइट का अगर मीन निकाला जाए, इसका मतलब है कि कुछ की हाइट 5.7 इंचेस से ज्यादा है, कुछ की हाइट 5.7 इंचेस से कम है, ठीक है। तो मीन हाइट मतलब के सेंटर वाली जो हाइट है वो 5.7 है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकाला जाए तो उसका 0.5 है, यानी कि हर एक अगली हाइट या हर एक पिछली हाइट मीन से जो डिफरेंस है दैट इज 0.5। बात समझ आ गई? ओके अच्छा, जब 5.7 की हाइट ऑन एन एवरेज है तो उसका मतलब है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी, कुछ की हाइट 6'2" से ज्यादा होगी, कुछ की हाइट 6'5" तक भी होगी, ठीक है, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दोज बॉयज जिनकी हाइट 6.2 फीट से ज्यादा है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, आप लोगों को फॉर्मूला आता है। जल्दी से मुझे ये 6.2 वाली हाइट जो है, 6.2 से ज्यादा जो लड़के हैं वो कितने परसेंट हैं, आपने मुझे परसेंट बताना है, ठीक है। एक बात सुन ले पहले, सारी बात बाद में सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ बॉयज ओवर 6.2 इंचेस, उन लड़कों की परसेंटेज बतानी है जो 6.2 इंचेस पर हैं या उससे ज्यादा। एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज बिटवीन 5.5 एंड 5.9 इंचेस, उनकी भी बताएं जो 5.5 फुट से ले, नहीं 5.6, 5.5 होगा, जो 5.5 इंचेस से लेके 5.9 इंचेस तक मौजूद है यहाँ पे, वो उनकी भी परसेंटेज बताएं। और लास्टली परसेंटेज ऑफ बॉयज लेस देन 5.4 इंचेस, जिनकी 5'4" हाइट है उनकी परसेंटेज बतानी है, उनसे कम वाले। आखिरी पॉइंट जिसके लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है, दैट इज आल्सो गिव द नंबर ऑफ बॉयज इन ईच कैलकुलेशन। हर एक कैलकुलेशन में परसेंटेज तो आपको बतानी ही बतानी है जो कि तीनों में पूछी गई है, बट यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज ओवर 6.2, द नंबर ऑफ बॉयज 5.5 5.9 के दरमियान वाले और 5.4 से कम वाले लड़के भी हमें सारे के सारे बताने हैं। फॉर्मूला वही मशहूर जमाना है, किताबें आपको चाहिए होंगी जी स्कोर के लिए, क्योंकि जी स्कोर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपको जी स्कोर बुक से मालूम करना है। सो लेट स्टार्ट, इफ एनीवन इज इन ट्रबल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन रेज योर हैंड, मार्क हियर दैट वी हैव अ क्वेश्चन। मैं उनका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, किसी किस्म की कोई वो बात नहीं करूंगा कि आपको नहीं आता, ये वो आपको समझना है ये, ठीक है। तो बिला झिझक, बिना किसी हेजिटेशन के आप क्वेश्चन करें, आता है तो सॉल्व करना शुरू करें, नहीं आता तो ये बताइए कि क्या चीज नहीं आती, शुरू से ही नहीं आता या कोई दरमियान का स्टेप है वो छूट रहा है। सो स्टार्ट।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो आपको पता है। ठीक है, x को हमने पहले वाले क्वेश्चन में x की जगह पर 6.2 पुट करना है। x हो गया 6.2, म्यू यानी कि मीन हो गया हमारे पास 5.7 इंचेस, और sd हो गया हमारे पास 0.5। वैल्यूज पुट करें, z की वैल्यू निकल आएगी, जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि हम एंडिंग पे जो ग्राफ है उसको शेडिंग भी कर लें। ठीक है, जी बच्चों जल्दी से कहां तक पहुंचा? मोर देन 6.2 इंचेस वाले मालूम करने हैं आपने। फोर जीरो नाइन बॉयज, आर यू श्योर?
अच्छा जी, कोई बात नहीं, कर ले कर ले, सब लोग कर ले, पहले करने दे करने दे, सब लोग कर लें, फिर मैं बताता हूँ सही वाला आंसर क्या है। जी की वैल्यू को 1200 से मल्टीप्लाई, नो, जी की वैल्यू को 1200 से मल्टीप्लाई नहीं करना। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चों गौर से देख लें, परसेंटेज ऑफ बॉयज ओवर 6.2, ठीक है, 6.2 फीट से ज्यादा वाले मालूम करने हैं, जो कि कम लोग होंगे ना। चौतीस सौ 13 बॉयज कहाँ गया वो, कुछ किसने लिखा था, दादी है बड़े, चला गए। आने दे सब लोग को करने दे, पहले जल्दी करें, सब लोग कर लें। ठीक है, और क्या वैल्यू थी, मीन है 5.7, एक्स है 6.2, लो जी लगा दो, 6.2 माइनस 5.7 ओवर 0.5, यहां तक ओके है। इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, 1 को जब हमने जी टेबल में देखा तो हमारे पास आया 0.3413। यहां तक तो बात सबको आती है, ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है सबको। मुझे पता चल गया है कि सबको जी स्कोर निकालना आ गया है। जी स्कोर की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको कि ये जो वैल्यू निकली है, ये जो वैल्यू निकली है बेसिकली ये है क्या। देखो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, जी स्कोर इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मीन वैल्यू। ये देखो, यस, जी स्कोर कैलकुलेट्स डिस्टेंस ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन। सो मीन कितना था, 5.7। मीन था 5.7। ये था मीन, यानी के 5.7, और हमारी वैल्यू आई है दैट इज 3413 पॉजिटिव। ठीक है, 0.3413, यानी आपने इस तरफ को जाना है। ठीक है, सपोज ये वैल्यू इधर आती है, इसका आंसर इधर आता है 0.3413, जी की वैल्यू इधर आती है, हमें
ये वाला एरिया मालूम करना है। देखो ये 5.7 है, इसमें 0.5 और जमा किया 6.2 हो गया, और 0.5 जमा किया क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.5 है, फिर क्या होगा 6.7 हो जाएगा, आगे 7.2 हो जाएगा। हमने यहां पे वैल्यूज जो निकालनी थी दैट इज 6.2, हमें इससे आगे आगे इस वाले एरिया का मालूम करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये एरिया का जो टोटल होता है, हाफ का जो टोटल होता है वो 0.5 होता है। 0.5 में से आपको ये वैल्यू पता चल गई कि भाई 6.2 की जो वैल्यू है ना यहां पर निकलती है 0.3413, वो इस वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, 0.3413 इस डिस्टेंस की बात हो, जबकि हमसे कहा गया है कि हमें ये वाला एरिया मालूम करना है, ओके। अब इसको 0.5 में से माइनस करेंगे, ये बात मैं हर दफा बताता हूं और कोई नहीं मुझे करके दिखा रहा, मैंने पेपर में दे देना ठीक है, फिर लगे रहना उसमें, कोई नहीं। छोड़े अब आप बार बार ये, अब मेरी बात सुने ठीक है, ये करना था, उसके बाद आपको इसके 0.5 माइनस 0.3413 अदीला माइनस कैसे आ गया, 0.5 में से 0.3413 निकालना है, ना कि 0.3413 में से 5 निकालना है, ठीक है। इट्स 0.5 माइनस 0.3413, तो आएगा प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट इज 0.1587 ये आएगा। बेसिकली ये हैं वो लोग, कौन लोग हो तुसी, ये हैं वो लोग 0.1587 ठीक है, जो के 6.2 से ऊपर है। अगर आप इस वैल्यू को डायरेक्टली 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है कर दें, तो हमारे पास आता है 190.44, तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 190, अप्रोक्सीमेटली जी शहजाद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी 0.44 को हटा देंगे तो इट्स 190 अप्रोक्सीमेटली, 190 बॉयज आउट ऑफ 1200, 190 बॉयज आउट ऑफ 1200 आर हैविंग हाइट्स मोर देन 6.2, तो ये कितने परसेंट बनते हैं, 0.1587, ये कितने परसेंट बनते हैं, मैंने कहा था जब इसको परसेंट करना हो तो इसको जस्ट आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, इट विल बी 15.87, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो ये आशारिया जो है दो डेसिमल के बाद ले आओ यहां पे, ये 15.87% स्टेटमेंट भी लिखवाई थी मैंने आपको, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 190 बॉयज आर हैविंग, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, बच्चों स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको ताकि आप लोग इसको देख लो, अप्रोक्सीमेटली 190 बॉयज having height more than 6.2 and they are
15.87% of total data. चलो जी, ये है इसकी एंडिंग स्टेटमेंट. 15.87 मरियम बिल्कुल ठीक है. Approximately 190 boys having height more than 6.2 inches and they are 15.87% of total data. ये था सवाल. समझ गए? Any confusion? इन क्वेश्चंस को ना लिख के रखना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए हमने ग्राफ का एरिया भी मार्क करना है. अब मैं इसी ग्राफ का एरिया मार्क करने जा रहा हूं, ठीक है? इसी ग्राफ का जो ये हमने निकाले हैं, इसी का एरिया मार्क करने जा रहा हूं ग्राफ के ऊपर. आप लोगों ने नोटबुक पे लिख लिया होगा सारा, ये बच्चों लिख लिया है? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, चाहे कोई मासूम सा सवाल है, छोटा चुन्ना मुन्ना सा सवाल है, वो जरूर पूछ लें. जी जी मरियम, वो करने लगा हूं मैं इसका, मैं आपको बताता हूं. अभी पहले सब लोग यस करें मुझे कि जी क्लियर है. नहीं क्लियर, किसी को भी कोई चीज नहीं समझ आई, बिना किसी हेजिटेशन के पूछें, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, उसके बाद ये क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली, मतलब के एग्जाम से पहले वाली क्लासेस जो है वो नहीं मिलने वाली. ये टॉपिक आज पढ़ रहे हैं हम. मेरे ख्याल से ओके है, ठीक है. ये मैं अरे चलो बच्चों, जी स्कोर दिया है, एलो फिर ठीक है. जी स्कोर के बारे में तो आप लोग शोर शॉट हो जाए. दीला ने इतना मासूम चुन्ना मुन्ना सवाल पूछा है. ठीक है बच्चों, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं. चले ये क्लियर हो गया. अब मैं बनाने लगा हूं यहां पर ग्राफ, कि इस वाले सवाल को ग्राफ में किस तरह से आपको दिखाना है. ठीक है जी, ये अंदाजन होता है. जी जी मैं तो अभी शुरू नहीं किया. अदीला भी शुरू नहीं किया ग्राफ. वाह वाह वाह, जिस दिन आप ऐसा बना लोगे ना, मैं कहूंगा भाई तुसी कमाल की. तो अच्छा अच्छा ये इधर भी वही चीज है खदीजा, मैं बता रहा हूं इधर भी वही चीज है. देखो जरा, अब आपको मैंने कुछ बातें बताई थी पहले, आपको वो रिकॉल. हाँ, अब आपको मैंने जो बातें बताई थी वो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं. सेंटर में जनाब होता है जीरो, थोड़े आगे जाके आएगा प्लस वन, थोड़े आगे जाके आएगा प्लस टू, प्लस टू, और उससे भी आगे जाएगा प्लस थ्री. ऐसे ही था,
क्यों भाई, यही चीज थी ना। और इस तरफ जो थी वैल्यूज माइनस में थी, माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। लो जी, इस बात पे तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे बताया, आपको बताया था कि इस तरफ को जाते हुए प्लस में वैल्यूज वन टू थ्री, वन स्टैंडर्ड डिविएशन, टू स्टैंडर्ड डिविएशन और थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहां पर आते हुए माइनस साइड पे, नेगेटिव साइड पे आपके पास माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन, माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन और माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन। अटेंडेंस जल्दी से बोल दें, शाबाश, अटेंडेंस बोल दीजिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। देखो, अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या थी। जब हमने जी स्कोर के फॉर्मूला में, जब हमने जी स्कोर के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की थी तो हमारे पास ये आया था, दैट इज 0.5 ओवर 0.5, ठीक है, आया था ना। जब दोनों को डिवाइड किया था तो उसके बाद आया था वन। इस वन को हमने जी टेबल में देखा था, ऐसे ही है, बात समझ आ रही है। ये जो वन आया था इसको हमने जी के टेबल में देखा था, जहां पे हमें 3.0.3413 मिला था। इतनी बात आपको पता है। इस वक्त जब हमने ग्राफ शेड करना है ना, तो कोई वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये इंपॉर्टेंट है, ना ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जो जी की वैल्यू निकलती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखना है कि ये प्लस की है या माइनस की है। हाँ, समय शायद, समय शायद है, समय आप क्या बात, आज खैरियत है, खामोश खामोश है, कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, खैरियत। अच्छा जी, हमें ये पता चल गया कि जो हमने वन निकाला है ये प्लस का है, तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो प्लस का वन है ना, यहां पे इसको मार्क कर देना। लीजिए, ओ, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से सुन लो, मैं सारा कुछ मिटा के फिर से, टेबल तो नहीं मिटा रहा, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वैल्यू कौन सी लेनी है। बच्चों, जब आपने जी स्कोर की, जब आपने जी स्कोर की वैल्यू निकाली थी, उन्होंने जीरो जी स्कोर की वैल्यू निकाली थी ना, ठीक है, 5.7 था, देखता हूं, हाँ 5.7 मीन था और 6.2, यानी 6.2 माइनस, फिर से कर रहा हूं यार, क्या पकड़ लेता हूं, 6.2 माइनस 5.7 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो जनाब आया था वन, ठीक है। ये वाला वन जो है आपने तलाश करना है, किधर है ये वाला वन, इधर है, ये मैं थोड़ा सा करीब किया है। आप ठीक है, आवाज, हीरा आपको आवाज आ रही है, हाँ, जी टेबल में वन आया था, तो ये वाला वन आपको यहां पर करना है। और हमें सवाल पूछा गया था कि इससे आगे वाले, इससे ज्यादा वाले, ठीक है, यानी 6.2 से आगे वाले, इसको आप यहां पर मार्क करें और इससे आगे वाला एरिया जो है वो शेड कर दें।
ओके हो गया। बेसिकली ये क्या चीजें हैं? ये हैं जनाब, क्या निकला था अप्रोक्सीमेटली 190 भी है ये, दैट इज 15.87%। ये इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है। हां जी, ये एरिया इसलिए मार्क करेंगे कि हाँ, ये देखो ये जो पीछे वाला एरिया है ना, पीछे वाला इसको ये देखो, ये जो ये वाला एरिया है, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये है 5.7 और 6.2, 6.7, 7.2, ये देखो इस तरह से है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 6.2 से ज्यादा वाला जो, ज्यादा वाले जो लोग हैं वो तो इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, वो इस एरिया में सारे के सारे यहां पर है। तो हमने वही मालूम करने थे, 5.7 जो जी स्कोर निकला था वो निकला था 5.7 और 6.2 के दरमियान कितने लोग हैं, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए थे 6.2 से ज्यादा वाले। दैट इज वाई हमने उस वैल्यू को, जी की वैल्यू को 3413 को 0.5 में से माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास एरिया निकला है विच इज 15.87% और टोटल वो बनते हैं 190 लोग। आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, है ना, थोड़ी सी समझ आई है ना। हमने 6.2 से ज्यादा वाले, जब भी एक बात मेरी याद रखें, जब भी आपसे पूछा जाएगा इस वैल्यू से ज्यादा वाले, तो आपने उसको माइनस करना है 0.5 से। जब आपसे पूछा जाएगा इस वैल्यू से कम वाले, तो भी आपको 0.5 से माइनस करना। गॉट माई पॉइंट? ज्यादा वाले पूछे जाएं या कम वाले पूछे जाएं, अमूमन सवाल जो आता है वो इसी तरह का आता है जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ ये वाला, कि बताएं 6.2 से ज्यादा वाले कितने थे, बताएं 5.5 और 5.9 के दरमियान वाले कितने थे, और बताएं कि 5.4 फीट से कम वाले कितने थे। ठीक है, अभी हमारे पास ना 6 मिनट मौजूद है, आप मुझे इसका जो तीसरा पार्ट है ना, ये वाला परसेंटेज ऑफ बॉयज लेस देन 5.4 इंचेस, काइंडली ये करके दिखा दें जल्दी से। शाबाश, परसेंटेज बता दें और नंबर ऑफ बॉयज बता दें, ग्राफ शेड कर देंगे तो क्या ही बात है। 6 मिनट बहुत होते हैं और पेपर में करना भी आपको इतनी ही देर में, बिकॉज बायस चार्ट के पेपर में ज्यादा टाइम भी नहीं होता। चलो शाम सॉल्व करो, मैं भी करता हूं। माइनस करना नहीं करना था क्यों नीलम? ये जो मैंने 6.2 में 0.5 प्लस किया है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला प्लस किया। ये देखें, इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि मीन वैल्यू 5.7 है और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है वो आप उसमें इतना इतना ज्यादा करते हुए उसकी स्टेप्स बढ़ाना शुरू करते हैं। ये वो वाला 0.5 नहीं है जो हमने माइनस किया था। यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.4 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, ये इत्तफाकन 0.5 आ गया, ठीक है। लेकिन वो वाला जो 0.5 है वो इन बोथ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस साइड पे भी 0.5 पूरा और इस साइड पे भी 0.5 पूरा। जी बिल्कुल, माइनस 7 रहेगा।
अच्छा माइनस मैं बताता हूँ, ये माइनस आपको बड़ा अभी काम देगा। माइनस का मतलब ये है, माइनस किसी जी की वैल्यू में आने का मतलब ये है कि 0.6 का जो माइनस का आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये मीन से लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, ये वैल्यू मीन से लेफ्ट साइड पे आएगी। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें, इस बार कैसे सिलेक्ट किया था प्लीज एक दफा बता दे। जो जी वैल्यू में माइनस करते हैं, अच्छा बताता हूँ, 571। आर यू श्योर? करके देखते हैं जी। मैं बताता हूँ बच्चों सबके क्वेश्चन, 5.4 एंड 5.7 ओवर 0.5। हाँ जी, ये जो माइनस का 0.6 आया ना, ये तो आप समझ लें कि आपने ग्राफ की शेडिंग वाला जो एरिया है वो आपने इससे निकालना है। ठीक है, अब 0.6 को आप जी स्कोर में देख लें, 0.6 को जी के टेबल में देख लें कि उसकी वैल्यू क्या बनती है। 0.6 में बनती है 0.2257। ओके, दैट इज 0.2257। बट हमें इससे कम वाले चाहिए ना, इसको 0.5 से माइनस करेंगे। 0.5 माइनस 0.2257, ये आता है 27, 0.2743। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 27.43%। ये पता चल गए। और अगर आप 0.2743 को डायरेक्ट 1200 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.2743 × 1200, तो आपको पता चला कि तकरीबन 329 बॉयज जो हैं, यस, तो कितने बॉयज बनते हैं ये? अप्रोक्सीमेटली 329। मैंने, मेरे पास तो ये आ रहा है, आप लोग भी चेक कर लें। हाँ, दीज आर 329 बॉयज हु आर हैविंग हाइट लेस देन 5.4 फीट। तो जिनकी 5.4 फीट से कम हाइट आ रही है। ठीक है, जल्दी से मैं एक चीज कर रहा हूं, सब कुछ आप लोगों ने निकाल लिया, अब मैं इसी ग्राफ के अंदर आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं। ये इरेजर मैं इसको लगाता हूं यहां पे, थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके लो बच्चों, हमारे पास जी का जो आंसर अभी आया था, जी का आया था माइनस का 0.6, है ना, जी की वैल्यू यही आई थी। तो अब आपने यहां पर माइनस साइड पे 0.6 ढूंढना है। कहां पर आएगा 0.6? इट इज 1, तो ये तो 1 से कम है। ठीक है, आपको 0.6 ढूंढना है। आप आ जाए इधर, 1 से सेंटर में, 0 और 1 के दरमियान में 0.5 होगा माइनस का, और इसे थोड़ा सा आगे 0.6 होगा ये। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें चाहिए इस साइड का एरिया। बात समझ आई? ये एरिया। अब इसको जरा आप लिख लें कि ये कितने बनते हैं। ये बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 329 बॉयज, विच आर 27.43% ऑफ टोटल डेटा। ले, अप्रोक्सीमेटली 329 बॉयज आर हैविंग हाइट लेस देन
5.4 है ना, हाँ 5.4 फीट, जो कि टोटल डेटा का 27.49% बनते हैं। बात समझ आ गई आपको थोड़ी सी भी, तो ये बहुत होगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने ग्रुप में भी इसको डाल दिया है, ठीक है। इस तस्वीर को और इस पूरे पेज को मैंने ग्रुप में डाल दिया है ताकि आपको फर्दर रेफरेंस, माइनस की तरफ 5.7 में से 0.5 माइनस करते जाना है, बिल्कुल ठीक है। 0.5 आपने लेफ्ट साइड पे सुमैया माइनस करते जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, देखो डिविएट का मतलब होता है वैल्यू का हिलना, ठीक है, डेविएट करना, गिरना, चढ़ना, जो भी डेविएशन हो रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब 0.5 है, तो वो प्लस साइड पे भी 0.5 के डिस्टेंस से होगी और माइनस साइड पे भी 0.5 के डिस्टेंस से ही होगी। आई थिंक द नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया हुआ है, ठीक है। मैं असाइनमेंट आप लोग को दे दूंगा, ये आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे फिर दिखा दीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन या दो आपको भेजता हूँ ताकि आप इसको ग्राफ भी बना सको इसका, ठीक है। इट्स नाउ बाय बाय, अल्लाह हाफिज फ्रॉम हेयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फी अमान अल्लाह। सलामत रहें, लिखना था सलामार, सलामार रहें, सलामत रहें बच्चों।